अस्सलामुअलैकुम। लाइट का वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए तो फिर रिकॉर्डिंग करूँ, लाइट तो आ नहीं रही। तो ये मैंने बहुत सारे कैंडल्स ऑन किए हैं, एक सेकेंड अभी थी कैंडल बुझ गई, मैं ऑन करती हूँ। अच्छा, अब तो ये मैंने कैंडल्स ऑन किए हैं ताकि आज की वीडियो हो जाए किसी तरह से कंप्लीट। आज मैं गई थी चाइना मार्केट, मुझे एक जो मेरा है ना एक सेंटर डाइनिंग टेबल के लिए मेरा एक है, एक को मैंने डेकोरेट करना था कुछ फ्लावर्स के साथ। वो मैं आपको कल इंशाल्लाह पूरा शो मैं उस पर करूँगी, जैसे मैं उस पर फ्लावर्स ऐड करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मुझे चाहिए थी, ये ऑयसिस है, ये मैं लेकर आई हूँ चाइना मार्केट से, और साथ ये फूल है। ये मैं मुझे एक साथ ही लगाऊंगी इंशाल्लाह उसमें, और आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगी कि इनको किस तरह से मैंने डेकोरेट किया। तो मैंने उसके कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं चाइना मार्केट के विज़िट के, वो भी इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे इसमें, इस वीडियो में। तो मैं होम टूर के इंशाल्लाह मैं हर रोज़ ही ऑलमोस्ट मेरा इरादा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है तो रह जाता है। एक्चुअली इस मंथ में मुझे लग रहा है थोड़ी शादियों का भी सीज़न गुजर जाए तो फिर मैं ज़्यादा आराम से वन बाय वन अपने होम टूर आपको कराऊंगी एक एक फ्लोर का। तो चलते हैं पहले चाइना मार्केट। ये चाइना मार्केट है और ये इतने खूबसूरत फूल जो ऊपर से हैंग हुए हुए हैं, जो साइड्स पे पड़े हैं, ग्रीनरी ट्रीज़ प्लांटर्स व्हाट नॉट, बहुत कुछ है यहाँ पे और इतना खूबसूरत लगता है। ये शॉप ही सादी से ये लोग हैं लेकिन अल्लाह ने इनको एस्थेटिक्स दी हुई हैं, और इतने खूबसूरत फूलों को उन्होंने जब मिक्स एंड मैच करके रखा है तो और लग रहा है कि ये कोई स्विट्ज़रलैंड है या कोई एम्स्टरडेम है, जहाँ फूल ही फूल हैं हर तरफ। इतने खूबसूरत फूल हैं, अगर आप कोई अच्छा सा एक वॉज लें और उस वॉज में आप ये कोई से भी फूल जो आपको पसंद जो हो, जो आपके इंटीरियर के साथ जा रहे हैं, आप एक कॉर्नर में से वॉज में फूल सजा लें, आप यकीन करें वो कॉर्नर बहुत खूबसूरत लगेगा। ये जो आपको हैंगिंग्स ऊपर से नज़र आ रहे हैं जो हैंग हुए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप खुद थोड़े से क्रिएटिव होंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ के और भी मिलेंगे। प्राइसेस सबकी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, मुझे प्राइसेस बिल्कुल नहीं याद हैं और मैंने इतनी ज़्यादा पूछी भी नहीं है, मुझे सिर्फ उनकी प्राइस का इस दफ़ा पता है जो मैं ख़ुद ख़रीद के लाई हूँ। ये एक और ये बहुत प्यारे बड़े बड़े फूल थे, लाइक एक या दो भी आप अगर लगा लेना तो इनफ होते हैं। तो ये बहुत कुछ रबर टाइप इनका मटेरियल था लेकिन बहुत प्यारे थे, पूरा कॉर्नर उससे सजा हुआ था। तो ये मैंने आप लोगों के लिए क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं परमिशन लेके शॉपकीपर्स से, ताकि आप इनको देखें और आपको आइडिया हो कि आप घर के किस कॉर्नर को नई लुक दे सकते हैं। ये मेरी बहुत ही फेवरेट शॉप है,
मैं इसके इनका मैंने जो कार्ड लिया था उसकी पिक्चर मैं शेयर कर लेती हूँ अगर कोई जाना चाहे यहाँ पे। डेकोरेशन पीसेज इनके पास बहुत प्यारे हैं, फूल सब बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे हैं, और प्राइसेस मैंने चेक की हुई हैं हमेशा से बहुत रीज़नेबल हैं। अब मुझे नहीं पता किसी को वो ज़्यादा लगेंगी किसी को कम लगेंगी, डिपेंड्स आपको कितने लेने और क्या आपका बजट है। ये जो डेकोरेशन पीस है ना, ये जो वॉज और उसके ऊपर एक लिड होती है, ये मेरा फेवरेट स्टाइल है। मेरे घर में भी आपने देखे होंगे और मुझे ये बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं स्पेशल आपके लिए इसकी वीडियो बना रही थी कि यहाँ पे कितनी तरह के पड़े हुए हैं। ब्लू एंड वाइट पॉटरी मेरी फेवरेट वो भी है, और उसके अलावा भी गोल्डन और अच्छे महंगे मटेरियल से लेके नॉर्मल इकोनॉमिकल हर तरह के मटेरियल में इनके पास अवेलेबल था। कुछ बहुत इस तरह का नहीं था कि मैं कहूँ बिल्कुल ही सस्ता, ऐसा नहीं था। ये भी आप अपने अकॉर्डिंगली बजट से पैसे सेव करके भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी सेव्ड हैं तो आप जाके यू कैन जस्ट गो एंड बाय। एक मुझे बहुत अच्छा पीस नज़र आया यहाँ पर, ये आयरन का है, ग्रिल टाइप है और उस पर ट्विग्स बनी हुई आयरन की, और उसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स हैं। ये एस सेंटर पार्टीशन या किसी विंडो पे ग्रिल की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो रूम है ना, ये किसी ट्रेयर रूम से कम नहीं है, क्योंकि इधर मेरा मेकअप का सामान पड़ा होता है बहुत सारा, और मुझे वो इतना एक ट्रेयर ही है। आपको जैसे सर्दियां हैं तो आप अपनी बाकी चीज़ों का तो ख्याल रख रहे हैं, अपने आप को वार्म रखने के लिए स्किन का भी ख्याल रखें, और मैं अब आपको वो चीज़ें दिखाने लगी हूँ जो माना प्रोडक्ट्स जो मेरी आ जाई हैं। अच्छा, उसमें ना ये जो प्रोडक्ट्स हैं माना की जो अभी आई हैं, ये कोई पेड वो नहीं है, लेकिन ये मेरी कज़न है बहुत प्यारी, वो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, और ये बहुत ऑर्गेनिक और मुझे बहुत सूट करती हैं, तो मैं काफ़ी चीज़ें इसी की यूज़ करती हूँ। जैसे सीरम्स हैं एक दो मेरे, विटामिन सी सीरम, और आप इसकी जाके वेबसाइट चेक करें तो आपको बहुत कुछ और नज़र आ जाएगा। अच्छा, मैं अभी ज़रा बाहर जाने लगी हूँ, मेरा सेंटोरस का भी एक काम था, ये आपके सलून के सामने मैं अनबॉक्सिंग इसकी कर रही हूँ, मतलब अनबॉक्सिंग तो होगी, अब खोल रही हूँ। तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी है ना इन सब चीज़ों की, बड़ा मज़ा आता है यूज़ करके। तो ये जो इनका बीबी टिंट है, इसको मैंने ये जो टेंट है इसका, ये मैंने सबसे लाइट शेड लेती हूँ, इसके अंदर इस टेंट में मैं थोड़ा सा अच्छा, और ये इतना मैं जब इन बॉक्सेस को खोल रही हूँ ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। इसमें ये मैं अपनी गोल्ड डस्ट मिक्स करूँगी, ये गोल्ड डस्ट है, और ये आप अपनी फाउंडेशन में लगा सकते हैं, वैसे भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए इसका इतना अच्छा टेक्स्चर है, इसको मैंने अपनी इसमें फाउंडेशन में मिक्स किया थोड़ा सा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगे होंगे। ये मैंने अप्लाई कर लिया है, तो मुझे तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों को ज़रा रोशनी में दिखाऊं कि जो मैंने अभी बीबी क्रीम और जो गोल्ड डस्ट यूज़ की है उसका इफ़ेक्ट कैसा आ रहा है स्किन पे। उसके अलावा भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं।
सुबह के लिए जिस तरह डे टाइम अगर आपके ही निकले या कैजुअल मेकअप के लिए तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, और आजकल मैंने एक और स्टार्ट किया हुआ है शो, लिविंग विद मलाइका, मूविंग विद मलाइका, वो भी मैं आजकल देख रही हूँ शो। उसके अलावा मैंने मूवी दो देखी हैं, मिली और तारा वर्सेस बिलाल, तो उसके बारे में भी हम किसी दिन बात करेंगे। ज़रा ये शो ख़त्म हो जाए मलाइका वाला फर्स्ट।